हेलो मेरे यारो, मेरा नाम है उत्कर्ष के उर्फ टू यू। और धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से एक मूवी रिलीज हुई है जिसमें रणवीर सिंह और आलिया भट्ट है, और इस मूवी का नाम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो बिना देरी करे ट्रेलर का रिव्यू करते हैं। 3, 2, 1। झगड़े रॉकी रंधावा दिस साइड। शिट्स यार, आप तो मुझे फुल चेकआउट मार रहे हो। नो आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू ऑब्जेक्टिफाई यू। आई वाज कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी, ताड़ लो जितना ताड़ना। देखने की चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है जी, ऑल नेचुरल, नो स्टेरॉइड। आज से आई बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। चल आज तू कुछ पूछ के देख, गूगल के चीथड़े नहीं फाड़ दिए ना, मेरा नाम भी रॉकी रंधावा नहीं है। वेस्ट में बट ऑबवियो ईस्ट में है, बट दैट्स ट्रिक क्वेश्चन था। ये बात तो फोन पे भी हो सकती थी, लेकिन फिर मैं तुम्हें चेक आउट कैसे करूं? ओके ठीक है। व्हाट झुमका? गार्ड छपवा दे, मंडप सजा दे, घोड़ी पे सवार आ रहा रानी का राजा। होल्ड योर हॉर्स। सी द प्रॉब्लम इज कि हमारी फैमिली इज बहुत अलग। ओके हाँ, मेरी गरीबी वाला सीन है। फैमिली करता है। फिर क्या चाहती क्या है? मैं आके रह जाऊँ तेरी फैमिली के साथ, तू मेरी फैमिली के साथ आके रहेगी? तू रैंडम चीजें सजेस्ट कर रहा है कि तू मेरी फैमिली के साथ आके रहे। मैं ओह माय गॉड, जीनियस। इट्स अ स्विच। 3 महीने के लिए तू मेरे घर पे और मैं तेरे घर। अगर ये सर्वाइव कर गए ना, तो शायद शादी के अगले 50 साल भी सर्वाइव कर लेंगे। दादाजी ठीक है। ये श्री रविंद्रनाथ टैगोर है। आई नो। मतलब 42% वोटिंग तो हमारा नेशनल ड्यूटी है। मैं तो वोट देना ही बंद कर दिया। मैं तो कहता हूँ आप भी बंद ही कर दो, क्या फायदा? शमिता तो है नहीं। शमिता? शमिता कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से है? बिग बॉस। ना क्लास ना एजुकेशन, तुम इस लड़के के साथ शादी के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? इन दोनों की प्रेम कहानी की औकात मैंने ना दिखाई तो मेरा नाम भी धनलक्ष्मी नहीं। खेला हो गया। ओके विलन है, हीरो है। और तू सही कहती है, इन दोनों बहुत अलग हैं, और कितनी भी कोशिश कर लेना हमारे बीच के फर्क खत्म नहीं होंगे। फर्क तो खत्म नहीं होगी, अगर ये रिश्ता खत्म हो चुका है। हर नहीं तोड़ा करते। वो आंटी कपड़ों के बारे में पूछ रहा था। लॉन्ड्री? फैमिली ड्रामा। बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। बेडरूम में जाकर अपना कपड़ा निकालो, मैं आता हूँ। गलत होगा आंटी, आप रानी की मम्मी हैं। ओके तो एक टाइप का फैमिली फ्रेंडली वाला सीन है, जिसमें एक स्टोरी बता दूँ इसकी तो काफ़ी सिंपल है। इसमें एक लड़का रहेगा, एक लड़की रहेगी, दोनों को प्यार हो जाएगा। एक थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, एक थोड़ी सी ज़्यादा बहुत पढ़ी लिखी है। उनमें प्यार होने के बाद उनकी फैमिली नहीं मानेगी, ऐसे ही कुछ चलेगा। और ये मूवी मेरे को शायद से बद्रीनाथ की दुल्हनी के टाइप लग रही है। उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट उठा के, दूसरे मूवी का कॉन्सेप्ट उठा के, सबको मर्ज करके एक मूवी बनाया जैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि बाद में तो आपको करण जौहर का तो पता ही है, कभी खुशी कभी गम, रोना धोना तो चलता ही। इसकी करण जौहर एक फैमिली फ्रेंडली बनाने की, कॉन्टेंट बनाने की कोशिश करता है, और कभी कभी वो मतलब अच्छी खासी अर्न कर जाती है बॉक्स ऑफिस पे, कभी कभी वो पिट जाती है, और पिटती है तो इतनी गंदी पिटती है कि बाद में कोई उसे मूवी नहीं लगाता है। तो उसके हिसाब से ये मूवी मुझे ठीक ठाक लग रही है। थोड़ा सा कॉमेडी है और थोड़ा सा एक फैमिली फ्रेंडली टाइप। नहीं तो रणवीर सिंह का मैंने लास्ट मूवी जो देखा था सर्कस, और वो देखने के बाद मैं सदमे में चले गया था थोड़े दिन के लिए। और उसके बाद अभी देखेंगे कि इसमें एक्टिंग कैसे करेंगे, क्योंकि रणवीर सिंह की एक्टिंग मुझे खटक गई थी, क्योंकि बहुत बेकार थी सर्कस में।
ना कॉमेडी था ना कुछ ना कुछ, सिर्फ उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी और ले लिया। स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी होगी भाई, एक बड़े डायरेक्टर की, इसलिए उठा ली होंगी। तो देखेंगे कि ये मूवी कैसी रहेगी, उसके अप टू द नॉच रहेगी क्या नहीं, देखने लायक, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन है, धर्मा प्रोडक्शन करेगा ही। आपकी क्या राय है मुझे कमेंट में बताओ, और वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बस आज के लिए इतना ही, टाटा, मिलता है अगले वीडियो में।